जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें हमारे CDS वीर गति को प्राप्त हुए, इस वजह से CDS की पोस्ट खाली हो गई है। अब सवाल यह है कि अगला CDS कौन और CDS बनने के लिए क्या है क्राइटेरिया, वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों डे आफ्टर जनरल रावत्स डेथ सेंटर स्टार्ट प्रोसेस टू पिक नेक्स्ट CDS, यानी कि सेंटर ने जनरल साहब की मौत के बाद CDS के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। अब दोस्तों CDS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन साकेत कर कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन था कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनमें से ही CDS का चुनाव होना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनमें कौन है फ्रंट रनर टू दी पोस्ट। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं जनरल MM नरवणे जी की, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला। और उसके बाद देखिए दोस्तों एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला। अब देखिए दोस्तों आर हरि कुमार एडमिरल, जिन्होंने नेवी चीफ का पदभार संभाला 30 नवंबर 2021 को। तो दोस्तों इस तरह अगर हम उनकी सर्विस के हिसाब से देखें तो जनरल नरवणे जी तीनों सेना प्रमुखों में सबसे सीनियर बनते हैं। अब इतना ही नहीं दोस्तों, जनरल नरवणे जी की दावेदारी इसलिए भी मजबूत कही जाती है क्योंकि मिलिट्री वॉरफेयर का बहुत अच्छा जानकार कहा जाता है नरवणे जी को। और यही नहीं, 4 दशकों के कार्यकाल में कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां भी उन्होंने संभाली हैं। और दोस्तों सेना प्रमुख जनरल नरवणे 1987 में श्रीलंका के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स संभाली गई थी वो उसका भी हिस्सा रह चुके हैं। इस तरह से दोस्तों जो फ्रंट रनर टू द पोस्ट है वो जनरल MM नरवणे जी हैं। अब देखा यह जाएगा कि सेंटर किस तरह से किस क्राइटेरिया पर सिलेक्शन करती है और आने वाला चीफ जो होगा तीनों सेनाओं का यानी CDS कौन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।